हाय गाइस। तो ऐसा माना जाता है कि काटने कार्य केवल मादा मच्छर ही करती है, नर मच्छर नहीं। अब जब हमें मादा मच्छर काटती है तो हमें खुजली होती है, और कभी-कभी वह खुजली इतनी अधिक होती है कि हम खुजाकर काटी हुई जगह पर घाव बना लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसा क्यों। तो जाने से पहले अपने तो भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है गुरुप्रीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरुप्रीत सिंह। मच्छर के काटने से हमें खुजली क्यों होती है? दरअसल जब हमें मादा मच्छर काटती है तो काटी हुई जगह पर बहुत जल्दी खून का थक्का ना जमे, इसके लिए वह विशेष प्रकार का थक्का रोधी रसायन हमारे शरीर में छोड़ती है, जिससे हमारे शरीर में कुछ देर के लिए खून का थक्का नहीं जमता है और वह आसानी से हमारा खून चूस लेती है। इस रसायन के हमारे शरीर में प्रवेश करने से हमें खुजली का एहसास होता है। उसके साइड इफेक्ट से बचने में रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की मदद करती है। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को हिस्टामिन के नाम से जाना जाता है, जो एक कंपाउंड रिलीज करती है। यह कंपाउंड शरीर के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाकर उसमें प्रोटीन से लड़ने में मदद करता है। हिस्टामिन नाम के इस कंपाउंड की वजह से भी व्यक्ति को खुजली और सूजन महसूस होती है। यही कारण है कि मच्छर के काटने पर हमें खुजली होती है। मच्छर के काटने पर शरीर की वह जगह बेहद संवेदनशील हो जाती है और बार बार खुजली करने से वहाँ की त्वचा पर सूजन या इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। तो आपने जाना कि मच्छर काटने पर खुजली क्यों होती है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।